यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 33। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 33। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, सो उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उसमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह के वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहे। सो तूने उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। और हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह न गिरेगा, और धर्मी जन जब वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलते रहे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा, और जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो कि प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इस्राएल के घराने, मैं हरेक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। फिर हमारी बंधुआई के 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने लगा,
नगर ले लिया गया। उस भागे हुए के आने से पहले सांझ को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई थी और भोर तक अर्थात उस मनुष्य के आने तक उसने मेरा मुंह खोल दिया। सो फिर मेरा मुंह खुला ही रहा और मैं फिर गुंगा न रहा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल की भूमि के उन खंडहरों के रहने वाले यह कहते हैं, इब्राहिम एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग बहुत से हैं, इसलिए देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। इस कारण तू उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तुम लोग तो मांस लोहू समेत खाते और अपनी मूर्तों की और दृष्टि करते और हत्या करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तुम अपनी अपनी तलवार पर भरोसा करते और घिनौने काम करते और अपने अपने पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, निस्संदेह जो लोग खंडहरों में रहते हैं वे तलवार से गिरेंगे और जो खुले मैदान में रहते हैं उसे मैं जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा और जो गड्ढों और गुफाओं में रहते हैं वे मरी से मरेंगे और मैं उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और उसके बल का घमंड जाता रहेगा और इस्राएल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई न चलेगा। सो जब मैं उन लोगों के लिए हुए सब घिनौने कामों के कारण उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और हे मनुष्य के संतान, मेरे लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है, और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है परंतु उन पर चलते नहीं। सो जब यह बात घटेगी और वह निश्चय घटेगी तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया था।